गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज अवसर ऐप के ऊपर थर्ड का और फोर्थ क्लास का रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाके अवसर ऐप को अपडेट करना है, ठीक है। और वो कैसे करना है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाके आपने प्ले स्टोर पे क्लिक करके ऊपर देखें, जहाँ ये सर्च का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है अवसर ऐप। तो जैसे ही आप लिखेंगे आपको आइकन लगा हुआ मिलेगा अवसर ऐप के सामने, ये आ जाएगा। जहाँ पर ओपन लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा आएगा आपका अपडेट, तो आप अपडेट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। और अपडेट पे क्लिक होने के बाद वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर वो यहाँ पर ओपन का बटन आएगा, तो आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा और फिर क्या करना है, आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है आपकी, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, स्कूल सेलेक्ट करना है। वैसे तो सभी स्कूल के जो नाम है उनके सामने आपका स्कूल कोड लिखा हुआ है, 4 है 5 6 7 11 18। तो जो भी आपका स्कूल कोड है वो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, 10167 जैसे स्कूल का कोड है, या तो आप इस पर क्लिक कर ले सीधा, या फिर अगर ऐसे नहीं मिलता आपको तो आप ऊपर सर्च में जाएंगे और यहाँ पे आप अपना स्कूल कोड लिख देंगे तो आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट और सेकेंड का जो रिजल्ट है वो कल आ गया था, जो रिपोर्ट कार्ड था, ठीक है। आज थर्ड और फोर्थ का है तो थर्ड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेम पे जाएंगे, नेम पे जाने के बाद आप यहाँ से जिस बच्चे का आपको करना है उसका नाम सेलेक्ट करना है, जैसे हम सिमरन का कर रहे हैं, ठीक है। तो जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है हमने, डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो, अगर एक अक्षर में है एक से लेके नौ तक तो आपको दो ही अक्षरों में लिखना है, तो उसके आगे लगाएंगे हम 09। जैसे इसकी डेट ऑफ जो बर्थ है वो 9 अप्रैल 2012 है, तो 09, और अप्रैल का महीना फोर्थ है तो 04 और 2012, ऐसे करके फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे इनका जो सिमरन का रिपोर्ट कार्ड है वो सबसे ऊपर आ गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे जो इनका रिपोर्ट कार्ड है वो यहाँ पर उनकी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए सबसे ऊपर स्कूल का नाम है, ठीक है, और नीचे बच्चे की क्लास और उसका नाम, उसके मदर का नेम, उसके फादर का नेम, और इसमें 30-30 नंबर में से कितने कितने नंबर लिए हैं सभी, और टोटल का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका रिपोर्ट कार्ड है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा जारी किया गया है अवसर ऐप के ऊपर। तो आप ऐसे हर बच्चे का आप चेक कर सकते हैं कि कितने परसेंट नंबर आए हैं और कितने में से कितने टोटल नंबर आए हैं। तो ये है थर्ड क्लास का, ऐसे ही आप फोर्थ क्लास का भी चेक कर लेंगे, ठीक है। आप सबको बस अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मालूम होनी चाहिए, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करें, उनसे पूछें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। अगर एक ही घर में दो बच्चे हैं तो आप देख रहे होंगे जो हमने इधर राइट साइड में एक एरो का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे और करने के बाद ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करना है। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, वही प्रोसीजर है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर ब्लॉक सेलेक्ट करना है, वही स्कूल, या अगर दूसरे स्कूल में है तो आप उसका उनका कोड ही डालना है आपने यहाँ पे, और उसके बाद क्लास सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेम करने के बाद आपने फिर क्या करना है, जैसे कोई और बच्चे का देख लेते हैं हम, यहाँ पे लक्ष्मी का करके देख लेते हैं, जैसे इसकी डेट ऑफ बर्थ मान लो 01/01/2013, तो इस पर कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद इनका भी खुल गया है और रिपोर्ट कार्ड पे हम क्लिक करेंगे तो इसका भी ये सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे
जो रिपोर्ट कार्ड है वो आ चुका है। तो इस प्रकार आप चेक कर लेंगे अपना अपना, ठीक है। थैंक यू।